when you want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground. गाइज़ मैं अभी आ गया हूँ दरवान और जो मौसम है वो काफ़ी प्लेजेंट है, काफ़ी अच्छा है और अभी हम लोग आए हैं, काफ़ी थके हुए हैं। तकरीबन 6.5-7 घंटे का सफ़र था अटक से और वैसे किलोमीटर जो थे वो 270 किलोमीटर थे, लेकिन जो रास्ता था वो उसकी बनावट ऐसी थी कि वो ज़्यादा यानी कि आपको टाइम लग जाता है। और अब हम लोग आए हैं तो मेन नारायण के अंदर हम लोगों ने एक रूम भी ले लिए है 3 नाइट्स के लिए। रूम्स भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब हम लोग आ गए हैं वापस अपने होटल के अंदर और अब बैठ के हम लोग बना रहे हैं चाय। बारिश का मौसम हो रहा है और काफ़ी यानी कि ठंड एकदम से होगी, तो अभी चाय और बिस्किट वगैरह का इंतज़ाम करेंगे। ठंडा पे ही हम लोगों ने गैस का सिलेंडर और साथ चूल्हा और वगैरह का रखा है और सामान लेकर आए हुए हैं, तो उसे सिर्फ चाय बना के साथ। आ चुके हैं लुलू सर लेक के ऊपर। ब्लॉग के अंदर मैं ज़्यादा अपने आप को शो नहीं कर रहा इस वजह से क्योंकि हम लोग बेसिकली नेचर को एंजॉय करने आए हैं, तो मैं चाहता हूँ जितने से ज़्यादा से ज़्यादा नेचर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, आप लोग देखें। गाइस अभी हम लोग इस वक्त हैं बाबू सर टॉप के ऊपर। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो अब हम लोग बाबू सर टॉप से वापस आए हैं और अब बसेर एक जगह है दरमियान में आती है, तो अब बस उधर हम लोग बैठेंगे चाय शाय और इस तरह के यानी कि पकौड़े शकौड़े वगैरह बनाएंगे। पीछे अब आपको वहाँ से मेरे खास नज़र इस तरह नहीं आ रहा होगा, हाँ अब आएगा यूँ करने के लिए। तो अभी मैंने थोड़ा सा जो है कॉन्ट्रास्ट वो इंक्रीज़ किया है, तो पीछे आपको सारे यानी कि बादल और यानी कि पीछे जो माउंटेन रेंज है वो बहुत ही मज़े की लगेगी। कैमरे में इतना अच्छा हम लोग फोकस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है।
और यानी कि बैठने की जगह, और पीछे लोगों ने टेंट वगैरह भी लगाए हुए हैं। मैंने पकौड़े वगैरह बनाने के लिए अपने नाम निकाला है, और ये अब हम लोगों ने एक किए हैं, पकौड़े बन रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। तो गाइस बस हम लोग वापस आ गए हैं। When you want to get off the darkest ground. जाएंगे उधर, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि मुझे कुछ मिल जाए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आए भी हैं ड्राफ्टिंग के लिए, आप देख सकते हैं ठीक करते हुए नज़र आए। ये देखें हमने, काफ़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन मसला ये बहुत तेज़ पानी है और हवा भी बहुत तेज़। अब देखते हैं किधर भी करते हैं या नहीं करते हैं। पीछे आप यानी कि देख सकते हैं अभी हम लोग राफ्टिंग करने लगे हैं, और वो शदीद ठंड है, और मेरी तो उसकी जैकेट पहन के मैं कह रहा हूँ बस हो गई है, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं राफ्टिंग। तो बस अब हम लोग निकलने वाले हैं, हेलमेट चीज़ें वगैरह सब कुछ पहन ली है, और बस अब देखते हैं बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं। अल्लाह का नाम लेकर The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. अच्छा गाइस, तो ये हम लोगों ने सारा बोर्ड के अंदर सामान रख दिया है, इस तरह वो आते हैं, बहुत दूर से आए थे। काफ़ी मज़ा आया, एडवेंचरस ट्रिप था, मजाक के लिए थोड़े से लोग डरते भी थे, लेकिन काफ़ी यानी कि अनएक्सपेक्टेड ट्रिप था, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। तो अब भी सारे गीले हो चुके हैं, और थोड़ी देर तक फिर आपसे मिलते हैं गाइस। तो बस अब राफ्टिंग करके आ गए हैं, और झील सैफुल मुल्क में अब लोग जाएंगे। ये जो है सारा सामान, ये इतना ज़्यादा सामान है, और ये जो इतने कपड़े पड़े हैं गीले हो गए हैं, क्योंकि सारा सामान ख़राब हो गया था। अब हम लोग आ गए हैं जीप से मलूक, और हम लोग अभी जीप से उतरे हैं, और बस अब ये करना है कि थोड़ा सा क्लोज इन करते हैं जीप पे, तो फिर आपको व्यूज़ दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ है अभी तक। छोटा सा ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और मज़ा दूर है। हम लोगों ने जितना यानी कि इधर जो इन्जॉय करना था, इधर सारी चीज़ें वगैरह हम लोगों ने इन्जॉय कर ली, और नारान के अंदर जो प्लेसेस थी उसमें से हमारी ये झील साहब मुल्क की आखिरी प्लेस थी, और ये भी बस हम लोगों ने विज़िट कर लिया। और अब यानी कि छोटी मोटी जगह तो बनता रास्ते के अंदर करते रहता है, पर सब हम लोग घर की तरफ रवाना होंगे।
तकरीबन 5.5-6 घंटे की ड्राइव करने के बाद पहुँचे हैं बुरहान और बैठे हैं मियाँ जी बुरहान होटल, यहाँ से कुछ खाना छाना खाएँगे और फिर 30 से 25 मिनट की ड्राइव है और 25 से 30 मिनट ड्राइव है और फिर हम लोग वापस घर पहुँच जाएंगे। The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.